हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं हूँ लिथुआनिया। आपको मैं बताऊंगा लिथुआनिया के बारे में, स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, कि आप लिथुआनिया का स्टूडेंट वीज़ा किसी भी एशियन कंट्री से कैसे ले सकते हैं। आप लिथुआनिया का स्टूडेंट वीज़ा आप किसी भी एशियन कंट्री से बड़े ईजीली ले सकते हैं। आप पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, इंडिया से, आप जो है स्टूडेंट वीज़ा इजीली ले सकते हैं। लेकिन आपको जो है कुछ रिक्वायरमेंट हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। लिथुआनिया का स्टूडेंट वीज़ा इजीली मिल जाता है एशियन कंट्री से। आप पाकिस्तान में थोड़ा 50-50 हो गया। पहले आपको लिथुआनिया का वीज़ा 100% मिलता था, लेकिन अब लिथुआनिया का वीज़ा जो है पाकिस्तान के लिए 50-50 है। इसी तरह इंडिया के लिए भी कुछ सिटीज़ के लिए 50-50 है, लेकिन जो साउथ इंडियन हैं उधर उनके लिए 100% चांस होते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा लिथुआनिया का वो ईज़िली ले सकते हैं किसी भी एजेंट और कंसल्टेंट के बगैर। आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी, आपका जो प्रोग्राम, आपके जो प्रोग्राम से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कॉन्टैक्ट खुद कर सकते हैं किसी भी एजेंट और कंसल्टेंट के बगैर। आप खुद सर्च कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको आपसे आपके प्रोग्राम से रिलेटेड कोर्स ऑफर कर रही है। आप उसको खुद से कॉन्टैक्ट करो और आपको वो रिस्पॉन्स करेंगे। इंटरनेशनल ऑफिस उनका जो है रिस्पॉन्स करेगा, इंटरनेशनल ऑफिस रिस्पॉन्स आपको ज़रूर करेगा। और आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कम से कम 2 से 3 महीने में आपका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाता है। और जब आप का एडमिशन हो जाए तो आपका वीज़ा जो है आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है। यहाँ पे आप किसी भी आपको कोई आईएलटीएस की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश प्रोफेंसी मींस कि अगर आपकी लास्ट डिग्री जो है इंग्लिश में है तो आप इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। बस आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपकी यूनिवर्सिटी से, जो आप जिधर से आपने लास्ट डिग्री की है, डॉक्यूमेंट के साथ वो सर्टिफिकेट भी आप उनको यूनिवर्सिटी को दोगे तो आपका एडमिशन जो है इजीली हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो है वीज़ा, जब आपका जो एडमिशन हो जाए तो आपको जो यूनिवर्सिटी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपका पाकिस्तान से 50% चांस है कि आपको वीज़ा मिले, लेकिन 100% आपको आपके डॉक्यूमेंट पे हो सकता है कि अगर आप उनको शो करें अपनी सोशल टाइज़, कि आपकी सोशल टाइज़ आपकी कंट्री के साथ कैसी है। अगर आपकी सोशल टाइज़ आप अपनी शो कर दो डॉक्यूमेंट के साथ तो आपको भी 100% जो है वीज़ा मिल जाएगा। आपको सोशल टाइज़ में जो अपनी शो करनी पड़ती है प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, या अगर आपके पास कोई भी इस तरह की कोई चीज़ है सोशल टाइज़, अगर आप शादीशुदा हो, जो भी आपकी सोशल टाइज़ आपकी स्ट्रॉन्ग करता है आपसे आपकी कंट्री से, तो आप वो डॉक्यूमेंट आप अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करो। उसमें आपके चांस जो होते हैं वीज़ा लगने के 100% हो जाते हैं। 2017 से पहले पहले तो किसी भी एम्बेसी में, लिथुआनियन एम्बेसी में जाते थे किसी भी कंट्री की, तो वो इंटरव्यू के बगैर आपको वीज़ा दे देते थे पाकिस्तानियों को और इंडियन को भी। लेकिन इंडियन में जो कुछ सिटीज़ हैं अब उनके लिए भी मुश्किल है, 50-50% चांस है कि आपको वीज़ा मिले, और पाकिस्तान से भी। लेकिन इंडिया में जो साउथ इंडियन हैं उनको आप उनके 100% चांस है कि वो लिथुआनिया का वीज़ा ले सकते हैं किसी भी सोशल टाइज़ को, अगर वो सोशल टाइज़ अपनी शो नहीं करते जब भी उनको वीज़ा ईजीली मिल जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान और कुछ इंडियन सिटीज़ हैं तो उनमें आपको सोशल टाइज़ आपको अपनी स्ट्रॉन्ग शो करनी पड़ेगी अपनी कंट्री से, तो आप इजीली फिर वीज़ा ले सकते हैं। आप इधर जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है 1500 यूरो से लेके 3000 यूरो तक है, तो आप इसमें इजीली कर सकते हैं। और जो आपका लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे आएगा, रेंट वगैरह, अकोमोडेशन वगैरह, तो यहाँ पे जर्मनी के मुकाबले में बहुत चीप है, तो आप इजीली यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। आ रहे हो तो आपको अगर वीज़ा इशू होता है 1 साल का, तो आप उस टाइम तो पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, लेकिन जब आप वीज़ा एक्सपायर होने लगेगा, जब आप अपनी TRP जो है अप्लाई करोगे, तो आपको जब TRP मिल जाएगी तो आप पार्ट टाइम आपको जॉब भी यहाँ पे कर सकते हो, पार्ट टाइम आप यहाँ पे काम भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो है मिनिमम वेज है 5 समथिंग कुछ है, तो आप 1 घंटे की जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो आपको सारी यूनिवर्सिटी की उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। जो सिर्फ अपना स्ट्रॉन्ग एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बनाना पड़ेगा आपका जो मोटिवेशन, जितना मोटिवेशन लेटर स्ट्रॉन्ग होगा आपके चांस जो हो जाएंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन, आपके चांस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के 100% हो जाएंगे। लेकिन आपको फिर भी एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर लिथुआनिया में आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आराम से मिल जाता है। लिथुआनिया भी एक सेंट्रल स्टेट है, तो आप अभी यहाँ पे एडमिशन ओपन है, आप जल्दी से अप्लाई करो एडमिशन। और इसमें भी जो एडमिशन प्रोसेस है कम से कम 3 मंथ का होता है, तो अभी एडमिशन ओपन है, तो आप अप्लाई करो, आपका जो चांस है 3 महीने तक आपका एडमिशन हो जाएगा। और आपका वीज़ा प्रोसेस 15 डेज से 1 मंथ तक में
आ जाता है आपका वीज़ा। जब आपका एडमिशन हो जाता है किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप जो हैं इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो तो इंडिया में उनकी एम्बेसी है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनकी जो पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है इनकी, तो आप किसी और कंट्री में जा कर आप अप्लाई कर सकते हो और आपको जो है पाकिस्तान और कुछ इंडियन सिटीज़ की जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपनी सोशल टाइज लाजमी शो करना, स्ट्रॉन्ग शो करना, ताकि आपका जो वीज़े के चांस हैं 100% हो जाएँ। बाकी साउथ इंडियन के लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन फ़ीस है 100 से 150 यूरो तक की है, तो आप ये भी बहुत कम है, और जो इनकी प्रोग्राम की फ़ीस है वो भी बहुत कम है, तो आप यहाँ पे इजीली एडमिशन लेके आप आ सकते हो। लिथुआनिया जो है अभी भी जो बाकी सेंचुरी कंट्रीज़ की जो एशियन के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है वीज़ा की, रिजेक्शन चांस ज़्यादा हैं। लिथुआनिया के अभी भी 50% चांस है, और 100% आप खुद कर सकते हैं अगर आप अपनी सोशल टाइज को आप स्ट्रॉन्ग शो करें वीज़ा डॉक्यूमेंट के साथ। आपको अपनी सोशल टाइज शो करनी पड़ती हैं किसी भी कंट्रीज़ के लिए, लेकिन लिथुआनिया के लिए अगर आपका जो वीज़ा चांस है 50% है पाकिस्तान से, तो आप अपनी सोशल टाइज लाजमी उसके साथ अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट के साथ शो करो, ताकि आपको वीज़ा जो है ईजीली मिल जाए। और जो वर्क परमिट के बारे में जो लिथुआनिया आना चाहते हैं, मैं उसके बारे में सर्च करके मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लिथुआनिया की जो है इनके जो लोग हैं यहाँ से यूके ज़्यादातर काम के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे भी लेबर की शॉर्टेज है, लेकिन मुझे जो है कुछ सर्च करनी पड़ेगी कि आप कैसे लिथुआनिया का वर्क परमिट ले सकते हो, और कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, कौन से इनके ऑफिशियल पोर्टल हैं जो आपको वर्क परमिट इशू करेगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, कोई नई इन्फॉर्मेशन अपलोड करूं, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आप अपने दोस्त को अपनी दुआओं में याद रखें, अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेकमान।